हाय गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि बहुत ही बढ़िया होंगे। सो आज मैं आपके साथ एक वीगन चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। आजकल वीगन डाइट का बहुत ही बड़ा ट्रेंड चल रहा है। सो व्हाट इज वीगन डाइट? इट्स प्योर वेजिटेरियन डाइट, बट यू नॉट अलाउड टू ईट एनी काइंड ऑफ डेयरी फूड इन इट, लाइक दही, दूध, छाछ, मक्खन, नॉट अलाउड। सो दैट्स द वीगन डाइट। सो लेट्स मेक केक। कम ऑन। Taking 200 grams of all-purpose flour, so 28 grams of cocoa powder. यू नो कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाइक चॉकलेटी फ्लेवर नहीं पसंद, तो आप कोकोआ पाउडर हाफ भी ले सकते हैं, लाइक 14 grams तक। Tablespoon of baking soda, so half a tablespoon of salt, and we adding 200 grams of sugar, and we mix it. Instant coffee. I'm gonna use it 1 tablespoon. I have 200 ml hot water. I'm gonna mix it well. You know, coffee will enhance the chocolatey flavor. But as I told you earlier, कि आपको coffee का इतना ज़्यादा flavor नहीं पसंद, so you can just use the half a tablespoon. So now I'm gonna add 120 ml of vegetable oil, using 1 tablespoon of vanilla extract, 1 tablespoon of व्हाइट विनेगर। अगर विनेगर अवेलेबल नहीं है तो टोटली स्किप कर सकते हैं। सो नाउ वी आर यूजिंग द ग्रीस पेपर। कैन सी द डिजाइन हियर। सो वहां से कट करेंगे। अगर आपके पास बेकिंग पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप बेकिंग ट्रे को ऑयल से ग्रीस भी कर सकते हैं। So you tap it here because you don't want any bubbles. Guys, मैं यहाँ पे ओवन में केक बेक करने वाली हूँ। अगर आपके पास ओवन अवेलेबल नहीं है तो आप प्रेशर कुकर में भी केक बेक कर सकते हैं। आप प्रेशर कुकर लीजिए, उसके लीड में से उसकी सीटी और उसकी जो रिंग होती है वो निकाल दीजिए। फिर प्रेशर कुकर में 2 कप सोल्ट लीजिए, उसको 2 मिनट तक गर्म कीजिए। फिर जो केक वाला कंटेनर है वो पूरा का पूरा आप अंदर सोल्ट के ऊपर रख दीजिए प्रेशर कुकर के अंदर। फिर प्रेशर कुकर का लिड ढक दीजिए। फिर उसके बाद हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स उसको बेक करें। एंड मेक श्योर करें कि जो गैस की आँच है वो धीमी रखे, एंड आपका केक अच्छे से रेडी हो जाएगा। This oven 180 degree, and we're gonna put this maybe 10-15 minutes. हमारी केक अच्छे से रेडी हो चुकी है। It comes out really really clean. It means it's done. So केक को हम ठंडा होने देंगे। Cake is ready. So, अब हम बनाएंगे वीगन चॉकलेट गनाश। सो उसके लिए मैंने लिया है क्रीम कोकोनट ब्लॉक। सो वी गोना यूज दिस हाफ। अगर आपको कोकोनट नहीं पसंद, उसका फ्लेवर नहीं पसंद, तो आप वीगन बटर भी ले सकते हैं। अगर आप डेयरी इंटॉलरेंस नहीं है तो आप नॉर्मल बटर भी ले सकते हैं। एंड नाउ आई हैव अ वीगन डार्क चॉकलेट। आप कोई भी डार्क चॉकलेट ले सकते हैं जिसमें डेयरी ना हो। एंड नाउ इसको हम हीट करेंगे माइक्रोवेव में। अगर डार्क चॉकलेट अवेलेबल नहीं है तो कोका पाउडर के साथ पाउडर्ड शुगर मिक्स कर दीजिए। लेट्स पुट फॉर 1 मिनट। अगर माइक्रोवेव अवेलेबल नहीं है तो गैस पर भी गर्म कर सकते हैं। गाइस, इसको हमने 2 मिनट तक रखा माइक्रोवेव में।
क्योंकि वन मिनट में तो नहीं हुआ करके इसको ठंडा होने देंगे। जो ये मैंने चॉकलेट गनाश बनाया था आई एम जस्ट गोइंग टू बी पोरिंग लाइक दिस ओनली। अगर आप इसे 10-15 मिनट तक फ्रिज में रखने के बाद इसको व्हिप करेंगे तो इससे आप और भी अच्छा डेकोरेट कर सकेंगे केक पे। एंड आई हैव सम ड्राई फ्रूट्स, सो यहाँ पे मैंने लिया है काजू, बादाम एंड पिस्ता, सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी स्प्रिंकल इट अप। गाइस, मैंने बहुत ही सिंपल से तरीके से डेकोरेट किया है, आप चाहे तो आप और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई ओकेजन नहीं था, मुझे सिर्फ घर पे खाने के लिए बनाना था, सो आई जस्ट केप्ट इट वेरी सिंपल। तो कैसी थी रेसिपी, आई होप कि अच्छी लगी होगी। यू नो घर पे आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको ओवन और माइक्रोवेव की ज़रूरत पड़ेगी, आप विदाउट उसके भी डेफिनेटली बना सकते हैं और बहुत ही यम बनती है, ट्रस्ट मी, सो फ्लफी एंड वेरी स्पॉन्जी केक। यू नो नावडेज क्या होता है कि स्पेशली यहाँ पे मैंने क्या नोटिस किया है कि जो अंडर 2 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस होते हैं दे हैव लाइक डेयरी इंटॉलरेंस, यू नो द मम्स हु आर ब्रेस्ट फीडिंग they cannot eat dairy products just because they are feeding their babies. Those mom, you can try this recipe at your home. You would not miss any dairy products in that. So please zarur try kijiyega, bahut hi yummy banegi, and hamare sath share kijiyega aur hame yaad kijiyega. Till then apna khyal rakhiyega, bye.